सेक्शन 38 डिडक्शन ऑफ लॉसेस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन के हेड में जो भी इनकम अमाउंट आ रही है उसको कैलकुलेट करते हुए एक टैक्स पेयर कौन से लॉसेस की डिडक्शन क्लेम कर सकता है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कौन सी डिडक्शन उसे परमिसिबल है, उसे अलाउड हैं। सो अंडर दिस सेक्शन सब सेक्शन 1 स्टेट दैट सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर अ टैक्स ईयर, यानी अंडर दिस ऑर्डिनेंस जब एक पर्सन की जो इनकम कैपिटल गेन के हेड के अंदर फॉल कर रही है उसको कैलकुलेट करते हुए अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय द पर्सन इन अ ईयर, अगर उस पर्सन को उस कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हुए कोई नुकसान वगैरह हो जाता है तो वो डिडक्शन ऐसा लॉस वो क्लेम कर सकता है अपनी वो इनकम जो कि कैपिटल गेन के हेड में आ रही है उस इनकम को कैलकुलेट करते हुए, उसी कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हुए अगर कोई नुकसान वगैरह हो गया है तो उस नुकसान को अपनी उस इनकम में से ऐसा डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है, अपने वो लॉस वो क्लेम कर सकता है। सबसेक्शन 2 नो लॉस शैल बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन ऑन द डिस्पोजल फॉर कैपिटल एसेट वेयर अ गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ सच एसेट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। ये सबसेक्शन 2 बड़ा जो है वो एक इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि जब एक आप कोई कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ करते हो और उस कैपिटल एसेट के गेन के ऊपर गेन जो है वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, तो अगर इस तरह के कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हुए अगर आपको कोई लॉस भी हो जाता है तो अब आप वो लॉस क्लेम नहीं कर सकते। यानी इन शॉर्ट अगर आपका ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उसके कैपिटल एसेट डिस्पोज किया और उसके डिस्पोजल पर जो आपको गेन हासिल हुआ वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कैपिटल एसेट को जब आप डिस्पोज करते हो और आपको लॉस भी हो जाता है तो लॉस भी जो है वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स होगा, उस पर भी आप लोग कोई उस लॉस को अब आप लोग क्लेम नहीं कर सकते उस नेचर कैपिटल। फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे कैपिटल एसेट में कैपिटल सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों चीज़ें आती हैं, तो अगर ये दोनों चीज़ें जो है अगर 6-6 साल अगर एक टैक्स पेयर अपने पास रखे और उसके बाद उन्हें डिस्पोज करे तो उसके ऊपर जो से गेन हासिल होगा तो 6 ईयर के होल्डिंग पीरियड की वजह से उस गेन के ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ ये है कि उसके ऊपर कोई गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर इसी तरह की सिक्योरिटी और इसी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे उसने अपने पास 6 साल रखा और उसके बाद डिस्पोज ऑफ किया तो जब उसके गेन के ऊपर से कोई टैक्स नहीं देना पड़ना था, और अगर फ़र्ज़ कर लें कि उसे कोई नुकसान हो गया इनको बेचने के बाद, मतलब जितने में खरीदा था बेचते टाइम उससे कम प्राइस में बिका तो उसे नुकसान हो गया, तो अब चूँकि उसका गेन एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स था तो उस सिचुएशन में वो लॉस भी अगर उसे कोई हो जाता है तो उसको लॉस को वो क्लेम नहीं कर सकता, उस टाइम से लॉस डिडक्शन हासिल नहीं हो गया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाए सबसेक्शन 3 द लॉस अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला नेम। सो कह रहे हैं कि जब आप किसी कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो इस सिचुएशन में हम ये बता रहे हैं कि जब एक पर्सन ने कोई कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ किया तो उस सिचुएशन में अगर उसे कोई लॉस हो जाता है तो इसको इस फॉर्मूला के मुताबिक कैलकुलेट किया जाएगा, ए माइनस बी के तहत से कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है, ए है कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी जितने में आपने वो चीज़ खरीदी थी वो प्रॉपर्टी आपने जितने में खरीदी थी। बी है द कंसिडरेशन रिसीव बाय द पर्सन ऑन द डिस्पोजल ऑफ द एसेट, मतलब जब आपने इस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया था, ट्रांसफर के सेल आउट किया था और उसके बाद आपने जो उस कंसिडरेशन आपको मिली यानी जितने में आपने बेची, तो लॉस का फॉर्मूला जो है वो इस तरह है ए माइनस बी, यानी पहले आप लोगों ने कॉस्ट रखना है कि जितने में आपने ये खरीदा था, बी है कि जितने में आपने बेचा, क्योंकि लॉस हुआ है ना, खरीदने की अमाउंट ज़्यादा है बेचने में आपको कम में बिकी है, तो इसलिए कॉस्ट पहले आएगी और कंसिडरेशन जो आपको उसे बेचने पे पैसे मिले हैं वो बाद में आएंगे, तो इस फॉर्मूला के मुताबिक लॉस कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4 तो कहें द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 37 शैल अप्लाई इन डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ए ऑफ द फॉर्मूला इन सबसेक्शन 3, यानी इन सबसेक्शन 3 में जो ए है कॉस्ट है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए सेक्शन 37 के सबसेक्शन की 4 की प्रोविजन को आपने मद्देनजर रखना है। यानी सेक्शन 37 के सबसेक्शन 4 की प्रोविजन में बताया हुआ था कि कॉस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए कौन सी चीज़ें क्लेम नहीं कर सकते, वही चीज़ें यहाँ पर भी होगा इस सेक्शन के अंदर भी है कि कॉस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए उन्हीं चीज़ों को जो एक्सपेंडिचर वहाँ सेक्शन 37 सबसेक्शन 4 में क्लेम कर सकते हैं, सेम वही सिचुएशन ये है कि यहाँ पर भी वो क्लेम नहीं कर सकते। फॉर फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू रीड सेक्शन 37 सबसेक्शन 4, अदरवाइज आप सेक्शन 37 की जो हमारी वीडियो है वो भी देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 5 जो कहते हैं नो लॉ शैल बी रिकॉग्नाइज अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट नेमली। सो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसेक्शन 4 है ना वो ये कह रहा था कि जब आपको कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हुए कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस की डायरेक्शन आप लोग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट ये है कि जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करें उस सिचुएशन में लॉस की डायरेक्शन आप लोग क्लेम कर सकते हैं। सबसेक्शन 5 में बात क्लियर कर दी कि जब आप कोई एनी अदर एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं और उसके मुतलक आपको कोई लॉस हो जाता है, मतलब ये जो कुछ कैपिटल एसेट है इनको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनको करते हुए आपको कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस की डायरेक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, उस टाइम आपको लॉस की डायरेक्शन अलाउ नहीं है। और कौन से कैपिटल एसेट है उसमें आ जाता है पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैनुस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक, पोस्टर, स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, वेरिएशन एंड एंटीक, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को ये कैपिटल एसेट है, इनको डिस्पोज ऑफ करते हुए कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस आप क्लेम नहीं कर सकते। अब ये चीज़ें हैं क्या, ये जो हमारी जो पहली वीडियो है इसी टॉपिक से मतलब कैपिटल गेन से मतलब उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, लिहाजा इधर वेट पड़ेगा वीडियो का, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और मैं इस चीज़ को इसलिए यहाँ पर क्लियर डिस्कस नहीं करूँगी। एंड आई होप कि आप पहली वो वाली वीडियो सुनें और उसके बाद फिर जो ये वेयर एक्ट से रीडिंग वाले लिटरल इंटरप्रिटेशन वाली ये वीडियो लेक्चर है इसके तब आप लोग सुनें, क्योंकि इसी तरह आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन 37A को डिस्कस करेंगे।